पंजाब के जॉब एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है। पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन का यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, NRHM पंजाब का। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पंजाब के NHM के रिक्रूटमेंट के बारे में। आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका CHO की वैकेंसीज है, आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। तो इन ऑफिसर अधिकारी पदों पर जो ये नियुक्ति हो रही है, यहाँ पे 320 पोस्ट है, 320 यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। इन पदों पे आपका नियुक्ति हो रही है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिंक मैंने दे रखा है वीडियो में, आप लोग वहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है मैं सब बताऊँगा, और कब से आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM पंजाब का। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पे CHO की यहाँ पे वैकेंसीज है, 320 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। आवेदन ऑनलाइन करोगे आप लोग, 12 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यानी इसकी आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 25 जून है। 25 जून इज द लास्ट डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। और आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है दोस्तों, यहाँ पे BSc आपके पास नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा BSc नर्सिंग हो सकती है, BAMS हो सकती है। तो यहाँ पे एज लिमिट काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन दे रखे, 18 to 37 आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 37 साल तक, ठीक है। यहाँ पे केवल सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा आपका रिटर्न एग्जाम के थ्रू होगा। बस एक छोटा सा लिखित एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको शामिल होना है और पास करना है उसे। इसके अलावा इंटरव्यू साक्षात्कार यहाँ पे नहीं है। जॉब लोकेशन पंजाब रहेगी, health.punjab.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये भी मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हो। नोटिफिकेशन आप लोग विस्तार से जानने के लिए इसका PDF मैंने दे रखा है अपना नोटिफिकेशन में, वहाँ से देख लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मेरे यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हो, 18 साल से लेकर 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। आपका जो एक्टिव रहेगा ये 25 जून तक एक्टिव रहेगा। आप लोग सीधे जाकर अप्लाई कर सकते हो, NHM पंजाब में जाकर यहाँ पे कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी कोई फेक वैकेंसीज नहीं है, जेन्युइन वैकेंसी आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। 12/6 से लेकर 25 जून तक आवेदन कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम का भी डेट उन्होंने बता रखा है, रिटर्न टेस्ट जो होगा आपका 4 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। तो 4 जुलाई को यहाँ पे आपका एग्जाम रखा गया 2021 में, तो केवल 4 जुलाई को आपका एग्जाम रखा गया दोस्तों। ये डेट अभी आगे बढ़ भी सकती है, पर लेकिन पक्का है कि इसी तारीख को ये एग्जाम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम की फ़ीस बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जनरल अदर कैटेगरीज के लिए जो आप है, आपकी जो है आपकी GST लगा के आपकी, वैसे तो 1000 फीस है आपकी एग्ज़ाम फ़ी, पर GST लगा के 18% लगा के 180 ऐड हो जाएगा, तो 1180 हो जाएगी, 1180 हो जाएगा। यहाँ पे अगर SC के बारे में बात करें, SC को रिलैक्सेशन दिया गया जो शेड्यूल कास्ट के हैं, 500+18% GST, यानी कि 590 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। तो यहाँ पे जो है 1180 तो जनरल और अदर कैटेगरी से रहेगी, और यहाँ पे जो SC वालों के लिए 590 रुपये रहेगी, ठीक है दोस्तों। देखिए आपके पास ये स्क्रीन पे जो हैगा, ये इसका पूरा का पूरा मतलब नोटिफिकेशन है जो निकल रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, BSc नर्सिंग मांगी गई है, नर्सरी मांगी गई है नर्सिंग से, और BSc नर्सिंग से ही आप लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सुलेटेड सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपये प्लस इंसेंटिव मिलेगा 15,000 का, ये बताया गया। इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पर मंथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अलग अलग तरीके से वैकेंसीज, देखिए बैकवर्ड जो क्लास है आपकी पंजाब के लिए, उसके लिए 19 वैकेंसी है। बैकवर्ड क्लास पंजाब फीमेल के लिए 13 है। बैकवर्ड क्लास जो पंजाब ESM और LDESM की है उनके लिए 6 है। और एक्स सर्विस मैन जो है आपकी मेल्स के लिए 10 है और फीमेल्स के लिए 13 है। फ्रीडम फाइटर जो पंजाब से हैं उनके लिए 2 वैकेंसीज है। फ्रीडम फाइटर जो फीमेल है उनके लिए 1 वैकेंसीज है। बाकी जनरल के 90 है। जनरल जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपकी 35 यहाँ पे फीस रखी, 35 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है पंजाब के लिए, उनके लिए 22 और फीमेल्स के लिए 10। पर्सन जो डिसेबल के साथ हैं फीमेल बाय रोटेशन 13। वाल्मीकि जो मजहबी सिख हैं उनके लिए 20 वैकेंसी है। वाल्मीकि मजहबी सिख जो हैं फीमेल है उनके 13 वैकेंसी है। शेड्यूल कास्ट जो अदर्स हैं पंजाब से ही उनके लिए 19 है। और शेड्यूल कास्ट जो अदर्स पंजाब है पर फीमेल है उनके 13। SC ESM LDESM वाले 12 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3। स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब से है तो 3 और स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब फीमेल से है उनके लिए भी 3। 320 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है दोस्तों। एक घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। ऑलरेडी फीस मैं बता चुका हूँ, जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 1,180 है और 590 बाकी SC के लिए है, ठीक है दोस्तों। 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम जो बताया था मैंने 100 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा। पास मिनिमम पासिंग मार्क्स उसमें आपको 35% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 100 में से, ठीक है, तभी आप उसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है वैकेंसीज़ के 1.5 टाइम या 1.5 टाइम्स वैकेंसीज से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे जो भी फैसला होता है उसके बेसिस पे आपको
आपकी जॉब मिल जाएगी। सिलेबस रिटर्न एग्जाम का दोस्तों बीएससी नर्सिंग का ही आएगा, बीएएमएस का आएगा, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट जो आपने हेल्थ कोर्स से किया होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से सीएचओ की वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखना है आपको। फीस थोड़ी ज़्यादा है, पंजाब की वैकेंसीज़ है, नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसीज हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सीधा आवेदन कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आवेदन कर सकते हो। आवेदन कैसे करोगे, सीधे मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जैसे सिंपल आप लोग फेसबुक और कुछ भी यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, साइन अप करते हो, तो इसी तरह रजिस्ट्रेशन होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो बेसिक डिटेल वो मांगता है वो आपको करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सारा बता रखा है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और इंप्रेशन डालने पड़े, प्रिंट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको फिल, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें आपको सब चीज़ें भरनी पड़ेगी, जो भी डिटेल वो बताते हैं। जब आप प्रोसीड करते हो, प्रोसीड नेक्स्ट में करोगे, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। मेरे को ये लगता है कि आप लोग इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, मैंने सीधे बता दिया। देखिए आप यहाँ पे स्टाफ नर्स की और जिसकी जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके बेसिस पे जो भी बताते हैं, मतलब यहाँ पे आपका पूछा जाता है, तो आप लोग जा सकते हैं सीधे। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे नेम लिखना है अपना, फादर्स का नेम लिखना है, किस कैटेगरी से आते हैं, मेल फीमेल, जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस। तो इस तरीके से आप लोग भरते चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में अमृतसर से हूँ या कहाँ से हूँ, अंबाला से हूँ, तो कोर्स जो कंप्लीट करा नर्सरी से करा है, नर्सिंग से करा है, और यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लिया 6 महीने का सर्टिफिकेट, आपने ब्रिज प्रोग्राम कोर्सेज में, कोई भी आपने नहीं करा है तो नहीं लिखेंगे, कर रखा है नहीं कर रखा है तो यस लिखेंगे, और क्या आपने मैट्रिकुलेशन पंजाबी से पास किया, 10वीं आपने पंजाब से पास कर रखा है तो वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से बढ़ना है, प्रोसीड करना है, इस तरीके से आपको उसे प्रोसीड करना है। कोई इसमें मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बाकी डिटेल्स जो है आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से दे दिया दोस्तों, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। और रिटर्न एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और 1180 यहाँ पे जनरल और अदर कैटेगरीज की फीस है, 590 जो SC वालों के लिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी, इसलिए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।